हेलो दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश साहनी और स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रायोगिक ज्ञान में। हम एक वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं फॉर लर्निंग कंप्लीट CSS। तो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा बेसिक्स ऑफ CSS, इंट्रोडक्शन, सिंटैक्स, सेलेक्टर्स, और हम कैसे CSS हम अपने अपने HTML पेज पे दिखा सकते हैं। तो टाइप्स देखे हमने। इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ टेक्स्ट एंड फॉन्ट से रिलेटेड कुछ CSS। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। इसमें आप देख सकते हो मैंने एक छोटा सा HTML पेज डिज़ाइन किया है जहाँ पे एक पैराग्राफ लिया है बस। ठीक है, और ये वेब पेज पे ये ऐसे दिखता है। तो हमें क्या करना है, अभी टेक्स्ट से रिलेटेड हमें कुछ CSS देखनी है। तो जैसे कि सबसे पहले CSS मैं आपको दिखाता हूँ, उसके लिए मैं स्टाइल टैग ओपन कर लेते हैं पहले। फिर यहाँ पर आपको लिखना है, आपको पैराग्राफ पर कुछ CSS लगानी है टेक्स्ट से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ टेक्स्ट इंडेंट। ये प्रॉपर्टी क्या करती है, अगर आपका जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ आप चाहते हो कि ये यहाँ से शुरू ना होकर के यहाँ से कहीं से शुरू हो, ठीक है, तो कुछ स्पेस देना चाहते हो आप स्टार्टिंग में, तो आप टेक्स्ट इंडेंट यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया 100 पिक्सल्स। तो ये क्या होगा, जब ये पेज आप रिफ्रेश करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ से इतना स्पेस छूट गया है, उसके बाद ये टेक्स्ट चालू हुआ है। तो इसे कहते हैं टेक्स्ट इंडेंट। अगर पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन आप थोड़ी स्पेस देना चाहते हो पहले स्पेस लाइन में, तो आप ये कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट इंडेंट। वैसे ही एक और प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट अलाइन। और जो भी प्रॉपर्टी, देखिए एक और बात आप ध्यान रखिए कि जब भी हम CSS की कोई प्रॉपर्टी लिखते हैं और वो प्रॉपर्टी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, तो आप उसको सेपरेट करोगे और कंबाइन करोगे डैश ऑपरेटर से। ठीक है, टेक्स्ट डैश इंडेंट, टेक्स्ट डैट अलाइन। ठीक है, इस तरह से अगर 3 वर्ड्स हुए तो टेक्स्ट डैश अलाइन डैश और तीसरा वर्ड ऐसा। ठीक है, तो अलाइन आप इसमें आपके पास ऑप्शन है लेफ्ट राइट जस्टिफाई या सेंटर। तो चलिए मैं सेंटर कर देता हूँ। तो मैं आपको सेंटर करके दिखाता हूँ इसका अलाइनमेंट कैसा दिखेगा आपको। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सेंट्रल अलाइन टेक्स्ट हो चुका है। सेम वैसे ही आप राइट कर सकते हो, जब आप राइट करोगे तो ये राइट अलाइन हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ से ये राइट अलाइन है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ्ट अलाइन होता है, और आप इसको जस्टिफाई भी कर सकते हो। तो जस्टिफाई करोगे आप तो ये लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये होता है जस्टिफाई। उसके बाद आपके पास एक है टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, तो टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या होता है कि आप अगर अंडरलाइन देना चाहते हो या फिर ओवरलाइन देना चाहते हो या लाइन थ्रू देना चाहते हो, तो आप इसकी मदद से कर सकते हो। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि अगर आपको ओवरलाइन करना है। ठीक है, अब जैसे आप इसको रिफ्रेश करोगे, आप देखोगे कि टेक्स्ट के ऊपर से लाइन आ गई है, जो भी टेक्स्ट है हमारा उसके ऊपर से एक लाइन आई है। उसी तरह से अगर आप अंडरलाइन करते हो, ठीक है, तो क्या होगा, जो ये लाइन है ये टेक्स्ट के नीचे से आएगी, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, ये टेक्स्ट के नीचे से आ रही है। इसी तरह से एक और इसकी वैल्यू होती है लाइन थ्रू। ठीक है, तो जब आप पेज को रिफ्रेश करोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो लाइन है वो टेक्स्ट के ऊपर से जा रही है, इसे कहते हैं लाइन थ्रू। और मोस्टली हम इसको यूज़ करते हैं एंकर के लिए। अगर आपके पास कोई एक लिंक है, लिंक में आपने कुछ लिंक डाली हुई है, और जैसे कि आप देखते हैं टेस्ट लिंक, ओके, आप इसको जब रिफ्रेश करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंडर ये अंडरलाइन आ रही है ना टेक्स्ट के अंडर। तो अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हो तो आप इसे यूज़ करते हो, जैसे कि आपने किया है एंकर टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अगर आप ये नन कर देते हो तो यहाँ पे इसके अंदर जो ये अंडरस्कोर है ये हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये जो प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डेकोरेशन यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, और इसकी प्रॉपर्टीज होती है अपर केस और लोअर केस एंड कैपिटलाइजेशन। अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे ये जो टेक्स्ट था ये पूरा कैपिटल लेटर में हो गया है। ठीक है, इसी तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, लोअर केस में कर सकते हो। जब आप लोअर केस करोगे, अगर आपने कैपिटल केस में लिखा है तो ये सब लोअर केस में हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें एक और प्रॉपर्टी दे सकते हो कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइज क्या करता है कि जो आपके
जितने भी वर्ड्स हैं उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल लेटर में हो जाता है। जैसे आपने रिफ्रेश किया, आप देख सकते हो कि पहला जो भी जितने वर्ड्स हैं उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल में हो गया। तो अगर आपको कहीं रिक्वायरमेंट है ऐसी तो आप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक आता है टेक्स्ट शेडो। तो मैं यहाँ दिखाता हूँ टेक्स्ट शेडो आपको, टेक्स्ट शेडो। और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो आप पिक्सल्स में देते हो, और वो जो कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल एंड कलर आप बता सकते हो। तो जैसे मान लो जी हम कहते हैं 2 पिक्सल्स हॉरिजेंटल, 3 पिक्सल्स वर्टिकल्स, ओके एंड ब्लू और लेट्स से रेड। ठीक है, अब जब आप इस वेब पेज को रिफ्रेश करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे जो वर्टिकल है हॉरिजेंटल है वो पहले आया और बाद में फिर इसका जो कलर है वो रेड हो गया है। तो इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हो, आपके हिसाब से टेक्स्ट शेडो आप दे सकते हो। ठीक है, इसी तरह से और हमारे पास है, अभी देखिए यहाँ पे जो लेटर्स हैं, जितने भी लेटर्स हैं, जैसे ये जो इट है इसके बीच में अगर आपको स्पेस देना है तो उसके लिए प्रॉपर्टी होती है लेटर स्पेसिंग। ठीक है, लेटर स्पेसिंग, और इसमें आप स्पेस बता सकते हो कि कितने पिक्सल्स होना चाहिए। अगर आप बोलते हैं 5 पिक्सल्स में होना चाहिए इस तरह से, ठीक है, और अगर आप इसको रिफ्रेश करते हो तो आपको दिखेगा कि जो लेटर्स हैं उनके बीच में 5 पिक्सल का स्पेस आ गया। मैं लाइन थ्रू निकाल लेता हूँ फिलहाल के लिए, यहाँ पे हम नन कर देते हैं तो हमें अच्छे से दिखेगा। ठीक है, ये हो गया लेटर के बीच का स्पेस। इसी तरह से क्या होता है, वर्ड के बीच का भी स्पेस आप मैनेज कर सकते हो, उसके लिए होता है वर्ड स्पेसिंग। तो वर्ड स्पेसिंग आपने कह दीजिए 5 पिक्सल्स मुझे चाहिए, तो जब ये आप रिफ्रेश करोगे वेब पेज तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि जो स्पेस है इनके बीच में 5 पिक्सल का स्पेस आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप लेटर के बीच का स्पेस एंड वर्ड के बीच का स्पेस आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये रही कुछ टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ जो काफ़ी टाइम हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी है फॉन्ट, तो फॉन्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी भी आप सेट कर सकते हो। अब जैसे कि मैं यहाँ पे, तो हम चाहते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे बॉडी के अंदर सबको कुछ CSS अप्लाई हो फॉन्ट की, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, फॉन्ट की स्टाइल आप सेट कर सकते हो, स्टाइल, ओके। तो फॉन्ट स्टाइल में आपके पास ऑप्शन है नॉर्मल का, इटैलिक का, तो जैसे मान लीजिए हम इटैलिक कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इस वेब पेज को रिफ्रेश करोगे आप देखोगे कि जितने भी एलिमेंट हैं सब इटैलिक में हो गए। ठीक है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है वेरिएंट का, फॉन्ट वेरिएंट, और यहाँ पे आप वैल्यू डाल सकते हो वेरिएंट में नॉर्मल या फिर स्मॉल कैप्स। तो मैं स्मॉल कैप्स का दिखा देता हूँ आपको एग्जांपल। ठीक है, अब जैसे इसको रिफ्रेश करोगे आप देखोगे यहाँ पे स्मॉल कैप्स में आ गए हैं जितने भी अपना कंटेंट है। उसके बाद ऐसे ही आप फॉन्ट वेट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो बोल्ड, आपके पास ऑप्शन है फॉन्ट इसमें नॉर्मल का या फिर बोल्ड का, तो आप बोल्ड कर सकते हो। जैसे आप बोल्ड करोगे तो आप देखोगे जितने कंटेंट हैं ये बोल्ड हो गए। ठीक है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है इसमें फॉन्ट साइज का, फॉन्ट साइज, ठीक है, यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट साइज़ होती है, फॉन्ट साइज़ होती है वो 16 होती है ब्राउज़र पे, आप इसको चेंज कर सकते हो 14 पिक्सल्स। आप वैल्यूज़ पिक्सल में दे सकते हो या फिर EM में दे सकते हो। जैसे देखिए ये 14 पिक्सल्स मैंने थोड़ा छोटा कर दिया, मुझे कैलसी ओपन करने दीजिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए जो EM का और परसेंटेज का जो EM का और जो पिक्सल्स का कैलकुलेशन वो इस तरह से होता है। मान लीजिए आपके पास अगर आपको 40 पिक्सल्स की जो फॉन्ट साइज़ है वो देनी है, ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करोगे 16 से तो जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट ये हो गया आपका 2.5 EM अगर आप लिखते हो तो वो इक्विवेलेंट टू 40 पिक्सल्स होगा। तो मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2.5 EM, ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट टू 40 पिक्सल्स होगा। ठीक है, तो इसकी साइज़ बढ़ गई है। अगर मैं इसको यहाँ पे 40 पिक्सल्स भी कर दूँ तो भी ये उतना ही दिखेगा। ठीक है, तो चलिए रिफ्रेश करके देखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इस तरह से आप अगर EM में देना है या फिर आपको पिक्सल्स में देना है ये आप डिसाइड कर सकते हो उस कैलकुलेशन के हिसाब से। ठीक है, तो इसको मैं अगेन 14 पिक्सल कर देता हूँ।
उसके बाद आपके पास ऑप्शन है लाइन हाइट का, आप लाइन हाइट भी मैनेज कर सकते हो। ठीक है, लाइन हाइट पे हमने मान लीजिए दे दिया 1.8, तो ये क्या करेगा, जो लाइन का स्पेस है वो इससे मैनेज होती है। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे स्पेस है लाइन के बीच में। अगर आप इसको बढ़ाते हो, टू करते हो, रिफ्रेश करो इस पेज को, तो आप देखोगे इनके बीच का जो स्पेस है वो बढ़ रहा है। तो ये होता है लाइन हाइट। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है फॉन्ट फैमिली का। ठीक है, फॉन्ट फैमिली, तो फॉन्ट फैमिली में आप बता सकते हो कौन सी फैमिली का फॉन्ट चाहिए आपको, और वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप यहाँ से जाइए सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से आप सर्च करिए फॉन्ट्स। ठीक है, कस्टमाइज फॉन्ट, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखेंगे कितने फॉन्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं और डिफ़ॉल्ट क्या है। तो मान लीजिए हमें तहोमा फॉन्ट्स यूज़ करना है। ठीक है, तो आप यहाँ जाओगे और लिखोगे तहोमा। ठीक है, आपने इसको सेव किया, और जब आप रिफ्रेश करेंगे इस पेज को, तो आपको ये फॉन्ट्स जो फैमिली है वो चेंज होती हुई दिखाई देगी। वैसे ही आपको एक और फॉन्ट होता है वर्डाना, तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ ये वर्डाना, तो अगर आपको ये फॉन्ट फैमिली चाहिए तो आप चेंज कर सकते हो वर्डाना। ठीक है, आप जैसे ही इस वेब पेज को रिफ्रेश करोगे, आप देखोगे कि फॉन्ट की जो फैमिली है वो चेंज हो गई। तो इस तरह से आप ये फॉन्ट्स यूज़ कर सकते हो। दूसरा तरीका ये तो एक हो गया कि आपने पूरे जितने भी फॉन्ट्स हैं वो सारे स्टाइल्स आपने अप्लाई किए। एक और तरीका होता है, अगर आपको शॉर्ट हैंड लिखना है फॉन्ट का, तो आप फॉन्ट लिखोगे, उसके बाद जिस फॉर्मेट में आपने ये लिखा है इसी फॉर्मेट में आपको ये लगा देना है। तो पहले आपने इटैलिक बता दिया, फिर आपने फॉन्ट वेरिएंट बता दिया, फिर उसके बाद में आपने बोल्ड बोला। ठीक है, फिर आपने इसकी जो फॉन्ट साइज़ है वो बताई, और यहाँ पे आप इस तरह से फॉरवर्ड स्लैश दोगे और लाइन हाइट बता सकते हो आप। एंड फाइनली आपको ऑप्शन है फॉन्ट की फैमिली बताने का। ठीक है, तो ये हो गया शॉर्ट हैंड। अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ तो भी आपको सेम इफेक्ट दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप जो चाहे वो वे यूज़ कर सकते हो। आइदर आप एक एक सिंगल सिंगल प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, या एक बार में ही कंबाइन करके ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। इवन अगर आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं लिखनी है तो आप इसको रिमूव कर दो, अगर आप ये सब नहीं चाहते हो। सिंपल आप फॉन्ट साइज़ और फॉन्ट फैमिली यूज़ करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से भी आप फॉन्ट अप्लाई करा सकते हो। तो ये हमने देखा यहाँ पे टेक्स्ट एंड फॉन्ट से रिलेटेड सीएसएस की कुछ प्रॉपर्टीज़। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा शेडो क्लासेस कैसे यूज़ करके आप इफेक्ट्स ला सकते हो सीएसएस के। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोज़ को शेयर करिए। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।